नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत में हम देखते हैं कि गवर्नर के पद पे बहुत कम महिलाएं हैं और उनमें से एक हैं नजमा हेपतुल्ला जी, जिनका राजनीतिक सफ़र बहुत लंबा रहा है। केंद्र में मंत्री रही हैं, 5 बार राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं और 16 साल तक राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के पद पर रही हैं। आइए बात करते हैं नजमा जी से। नजमा जी, जब हम आपके राजनीतिक सफ़र की बात करते हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में आपकी सफ़र की बात करते हैं, तो बहुत ही सशक्त महिलाओं की जब लिस्ट बनती है तो उनमें से एक नाम नजमा हेपतुल्ला का है। राजनीति में आपका आना कब और कैसे हुआ? राजनीति में तो पैदा हुए हैं, क्योंकि खानदानी था जिसने नेशनलिस्ट मूवमेंट में हिस्सा लिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मेरी ग्रैंड मदर के भाई थे, छोटे। तो आँख खुलते ही नेशनलिस्ट मूवमेंट, आज़ादी, वो जेल में थे। तो मैं अपनी दादी से पूछती थी कि उन्होंने ऐसा क्या जुर्म किया है जो जेल में है, क्योंकि कोई जुर्म करता है तभी जेल में जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बचपन में समझ में नहीं आता था कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला जेल में क्यों बंद है। जब बड़े हुए तो समझ में आई कि आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले क्यों जेल में बंद थे। तो पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ था, मगर मेरा कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैंने तो MSc किया साइंस में, PhD मैंने 22 साल की उम्र में कर लिया, पढ़ाने लगी कॉलेज में, तो मेरा इरादा नहीं था। पर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वाकया हुआ कि मुझे मजबूर किया कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। मैंने एक प्रोग्राम बनाया था एम्पावरमेंट का, गांव के लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी से अवगत कराने का। तो मैंने वो प्रोजेक्ट बनाया, इंदिरा गांधी को दिया कि गांव जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो स्कूल से यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, साइंस ग्रेजुएट हैं, वो किसी गांव में जाके वहां पर अगर उनको साथ बात करें, उन्हें सिखाएं कि क्लिनलीनेस क्या होती है, हाइजीन क्या होती है, टॉयलेट का इस्तेमाल क्या होता है, टूथब्रश टूथपेस्ट का इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है, जो एक कॉमन चीज़ आज लोग बात कर रहे हैं जिसकी, वो साइंटिफिक टेम्पर की बात हमने जब कही जी, तो उसका मैंने बना के इंदिरा गांधी को दिया। तो इंदिरा जी ने को पसंद आया, उन्होंने अलग अलग लोगों के पास मुझे भेजा, और उसमें एक थे बहुत बड़े, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके पास भेजा, और उनसे उन्होंने हक्सर साहब को भी पसंद आया। मगर अक्सर साहब का एक कमेंट था कि यंग लेडी यू विल हैव टू सेल इट टू द पॉलिटिशियन। मुझे लगता है उनका कमेंट सही था, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो हर चीज़ पॉलिटिक्स के आसपास ही घूमती है। और तो उन्होंने वही मशवरा मुझे दिया। मगर मैं यंग थी, 30s में आदमी ज़रा बहुत एग्रेसिव होता है। तो मैंने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी, आई एम गोइंग टू बिकम वन। And that's how I came to politics. By 80 I was in parliament. जी, ये 73-75 की बात है, 73 की बात है। आपने इंदिरा गांधी जी के साथ काम किया, राजीव गांधी के साथ काम किया, तो राजनीति में महिलाओं को आगे लाने में इंदिरा गांधी जी की भूमिका को आप कैसे देखती हैं? इंदिरा गांधी खुद पॉलिटिक्स में आई, उनकी फैमिली की वजह से आई, क्योंकि उनके फादर थे जी, उनको मौका मिला। राजीव गांधी ने महिलाओं के लिए सत्तम भागीदारी का ये जो 73 ये लेकर आए, जो रिजर्वेशन का पंचायत में वो रिजर्वेशन लेकर आए, जिससे पंचायत में एक साथ 1 मिलियन औरतें जो थी वो सत्तम भागीदारी हो गई। इसी तरह से और भी जगह पर उन्होंने कोशिश करी, अपनी प्रिंसिपल सेक्रेटरी वुमेन रखी। मगर मैंने सिर्फ राजीव गांधी के साथ काम नहीं किया, इंदिरा गांधी के साथ काम नहीं किया, बल्कि एक नहीं अनेकों प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया। मैंने VP सिंह के साथ काम किया, देवेगौड़ा के साथ काम किया, चंद्रशेखर के साथ काम किया, गुजराल साथ के काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया, और मैं समझती हूँ कि नरसिम्हा राव साहब के साथ काम किया। हर एक देवेगौड़ा, गुजराल और चंद्रशेखर और
इनका तो पीरियड बहुत थोड़ा था, तो उनके बारे में ये, या वीपी सिंह का, कि उनके बारे में कहना कि उनकी कोई पॉलिसीज थी बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उनका पीरियड बहुत ही डिफिकल्ट रहा था। मगर जो जिन्होंने पॉलिसी बनाई जो पूरे 5 साल हुकूमत कर सके, उसमें नरसिम्हा राव या अटल बिहारी वाजपेयी थे, एंड सभी लोग जो थे वो महिलाओं को सत्ता में भागीदारी देने के फेवर में थे। उन्होंने कभी कोई अपोज नहीं किया, बल्कि जो बिल पास हुआ वो राजीव गांधी के ज़माने में तो 30% 33% रिजर्वेशन का बिल पास नहीं हुआ था, फिर वो सत्ता से चले गए थे। जब नरसिम्हा राव बने प्राइम मिनिस्टर तब वो बिल पास हुआ और वो पार्लियामेंट में उसको मिली, सक्सेस मिली, और जिसकी वजह से कि महिलाओं को सत्ता में ग्राउंड लेवल पे बेसिक डेमोक्रेसीज में उन्हें मौका मिला, और नीचे से ऊपर तक आने में उन्हें उससे फ़ायदा हुआ। जी, जैसे आपने वुमेन रिजर्वेशन की बात की पंचायत राज में, तो लेकिन उस वो इस तरह उसका ये भी कहा जाता है कि एक मकसद था कि ग्राउंड तैयार होगा, वहाँ से महिलाएं पंचायत राज में जब आएंगी उसके बाद विधानसभाओं तक आएंगी और संसद तक पहुँचेंगी, लेकिन ये हो नहीं पाया। हाँ, हो नहीं पाया क्योंकि सवाल, अब क्योंकि रिजर्वेशन है तो हर पॉलिटिकल पार्टी को मजबूरन वहाँ औरत खड़ा करना पड़ती है। अब ये मजबूरी असेंबली और पार्लियामेंट में है नहीं, तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं को वोट नहीं देती हैं, तो टिकट नहीं देती हैं, क्योंकि उन्हें टिकट देंगी तो जीत के वो आएंगी, और ये कहते हैं कि उनकी विनेबिलिटी नहीं होती है, हम विनेबिलिटी चाहते हैं। मेरा शुरू में जो था मकसद, मैं कहती थी कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जिम्मेदारी होना चाहिए कि कम से कम 33% नहीं तो 10-20% वो अपनी महिलाओं को खड़ा करें इलेक्शन के अंदर, जहाँ उन्हें लगे विनेबिलिटी है वहाँ खड़ा करें अपनी महिलाओं को। ऐसा नहीं है कि महिलाएं जीत नहीं पाती, महिलाएं बहुत जीत जाती हैं, पुरुषों को हरा कर जीत जाती हैं, तो वो उनकी विनेबिलिटी देख के उनको वहाँ खड़ा करें, और एक बार अगर वो खड़ा करेंगे महिलाओं को, अगर 10% 15% महिलाओं को टिकट देंगे, खड़ा करेंगे, तो उन्हें जिता के भी लाएंगे, मजबूरी होगी उनकी कि उनको जिता के लाना है। जी, आप कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी भी रही और बीजेपी में आप वाइस प्रेसिडेंट भी रही, तो पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं, जो ऐसा आप बता रही कि महिलाओं को टिकट नहीं देती पार्टियां, तो किस तरह से ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि जो विभिन्न पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट्स दें? एक माहौल बनना चाहिए, एक कंसेंसस होना चाहिए उसके ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी उसको। सबसे बड़ी बात है कि अगर ये फंडिंग का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि महिला के पास रिसोर्सेज नहीं होते इतने कि वो अपने इलेक्शन को फंड कर सके, उसको तो सत्ता में भागीदारी की बात क्या है, घर में ही नहीं मिलता है उसको मौका, उसके पास फाइनेंसेस नहीं होते हैं और रिसोर्सेज नहीं होते हैं, और वो मनी और मसल पावर जिसको कहते हैं, दो एम नहीं होते हैं जी, ना मनी होता है ना मसल पावर होती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुद ही ये, अगर हम जैसे बहुत बार ये बात डिस्कस हुई है कि गवर्नमेंट फंडिंग करे इलेक्शन की, और तो उससे खर्चा भी कम हो जाएगा, एक नियंत्रण लगेगा एक्सपेंस पे, और औरत को आगे आने का मौका मिल सकेगा। जी, वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात कर लेते हैं, 2 दशक से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन कभी ये राज्यसभा में लैप्स हो जाते हैं, लेकिन लोकसभा में इसको क्यों इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, क्योंकि इस वादे के साथ ये सरकार सत्ता में आई थी सेंटर में कि वो इस बिल को लाएगी और पास कराएगी, फिर भी स्थिति जस की तस है। राज्यसभा से तो मैं थी मेंबर जब हमने पास करके भेज दिया, अब लोकसभा में तो मेजॉरिटी है, सब लोग तैयार हैं, कौन खिलाफ है, और लेके आना चाहिए ज़रूर उनको, क्यों नहीं ला रहे हैं, ये तो आज का वादा थोड़ी है, तो पुराने वादे हैं जी, लेकिन वो वादा ही क्या जो पूरा करा जाए। गालिब का एक शेर है ना, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता, एतबार ही नहीं है इन वादों पे, नहीं तो आज तक महिला कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती। जी, संसद में देखें तो 12% से कम महिलाएं हैं, विधानसभाओं में 9% से कम है, अगर हम संसद में देखें, अगर 10 संसद सदस्य हैं तो उसमें से 9 पुरुष हैं, सिर्फ 1 महिला है, तो ऐसी स्थिति ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें तो भारत की स्थिति इवन इंडियन
सब कॉन्टिनेंट पे भी बहुत डिस्करेजिंग दिखाई देती है। हम ग्लोबल मैप पे हम क्या दिखते हैं कि हम अपनी महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं देते? यहाँ पर जो वुमेन वोटर्स है, महिला जो वोट करने आती है, उनकी संख्या तो आप 50% है, और कई बार पिछले कई इलेक्शंस में हमने देखा कि वो पुरुषों से भी ज़्यादा है, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। एक्चुअली मैं तो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन जो है उसकी प्रेसिडेंट थी, तो सबसे ज़्यादा वुमेन को जो रिप्रेजेंटेशन मिलता है महिलाओं को, वो नॉर्डिक कंट्रीज में मिलता है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में भी है और पोजिशन में भी है, मगर यहाँ पर उसकी वहाँ एक दूसरी वजह भी है कि वहाँ आबादी कम है, तो पुरुष जो हैं वो बिजनेस करते हैं, महिलाएं जो हैं वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा हैं, ऐसा कहते हैं, मगर वहाँ एक कंसेप्ट भी है कि महिला को सीरियसली लेते हैं। दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी सिचुएशन इतनी बेहतर नहीं है। जब मैं आईपीयू में गई हूँ तो मुश्किल से हमारी कॉन्फ्रेंसेस में 8-9% महिलाएं आती हैं, पर जब मैंने छोड़ा तो 25% महिलाएं आती थी डेलीगेशन में, क्योंकि मैंने मैंडेटरी कर दिया था कि हर डेलीगेशन में महिला का होना ज़रूरी है, तो मजबूरी ने लाना पड़ता था महिलाओं को डेलीगेशन में, तो उनको एक्सपोजर भी मिलता था इंटरनेशनल डिस्कशंस का, एक्सपोजर भी मिलना चाहिए। अभी तो बहुत खुशी की बात है कि 2 बार हमारी स्पीकर महिला बनी, हमारी प्रेसिडेंट महिला बनी, तो ये तो एक अच्छी बात है। कई बार कहा जाता है अगर परसेंटेज नहीं है तो ये टोकनिज्म है। मैं इस हद तक तो नहीं जाऊंगी कि टोकनिज्म है, क्योंकि जो महिलाएं आई हैं वो किसी की मेहरबानी से नहीं आई हैं जी, ये महिलाएं अपनी मेहनत से ऊपर आई हैं। तो टोकनिज्म जब होता है जब किसी को टुकड़ा बांट दिया जाए, हमें कोई बांटा नहीं है, हम अपनी मेहनत से आए हैं। हमारी स्पीकर जो हैं वो कितनी बार, 7 बार इलेक्शन लड़ी, जीत के आई हैं, पुरुषों को हरा के आई हैं, तो हमारे इसको टोकनिज्म तो मैं नहीं मानूंगी। हाँ ये ज़रूर मानूंगी कि ये अच्छा नहीं लगता है जी, ग्लोबल लेवल पर भी अच्छा नहीं लगता कि भारत में जो महिलाएं हैं वो राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है, क्योंकि यूएन के जो पैरामीटर है उनके मुताबिक उनमें से जो एक अहम पैरामीटर है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है महिलाओं का, असेंबली में भी हो और संसद में भी हो। अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को राजनीति में लाना है तो कहीं ना कहीं से ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि कॉलेज लेवल पे किसी इस पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की ज़रूरत है, लड़कियों में राजनीति में रुचि जगाने की ज़रूरत है, क्या उनकी महिलाओं की बातचीत का विषय राजनीति होना चाहिए, किस तरह से ज़्यादा महिलाएँ राजनीति में आए, सिर्फ इस वजह से ना आए कि वो किसी परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन आम महिलाएं किस तरह से राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए? देखिए जो आप यूएन के पैरामीटर की बात कर रही हैं वो भी उसमें मेरा भी मतलब कंट्रीब्यूशन है जी, क्योंकि जब यूएन के ये पैरामीटर डिसाइड हो रहे थे बीजिंग में जी, तो 1995 में, तो आई वॉज लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन, और वो इंडियन डेलीगेशन का बहुत कंट्रीब्यूशन था जो यूएन डिक्लेरेशन हुआ है, बीजिंग डिक्लेरेशन हुआ है उसमें। तो उसके बाद भी मैंने आईपीयू की कॉन्फ्रेंस 1995 में जो करी थी, और जो बीजिंग की डिक्लेरेशन की फॉलो अप कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर भी हमने ये जिक्र किया, तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में, तो उनके साथ जो यूएन पैरामीटर्स हैं उसमें मेरा काफ़ी रोल रहा है, और बेसिक 95 से उसके ऊपर हमने काम किया, और उन पैरामीटर पे उपरने के लिए अगर हमें उनको पूरा करना है तो हमें जागृति पैदा करनी है। मगर जैसे सबसे बेसिक चीज़ है कि महिलाओं को सुरक्षा ही नहीं है बराबर, जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी तो महिला ऊपर कैसे आएगी? इलेक्शन लड़ना आसान तो नहीं होता ना, उसको रात बिरात कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, आज अगर उसकी सुरक्षा ही खतरे में है, कि आज जिस तरह से कि वायलेंस बढ़ रही है, बढ़ती जा रही, मैं तो समझती थी कि जैसे जैसे समय गुजरेगा महिला के एम्पावरमेंट होगा तो लोगों में जागृति आएगी तो उसकी जो सुरक्षा बढ़ जाएगी, पर सुरक्षा तो नहीं बढ़ रही है, कम हो रही है, वायलेंस ज़्यादा हो गई है, स्ट्रीट वायलेंस है, कैंपस वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस इतनी बढ़ गई है। अभी
कल ही मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी जो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप माहौल तो पैदा करो महिला को आगे लाने का जी। जब हम माहौल ही नहीं बनाएंगे, जब ऐसी ऐसा हमारा वातावरण खराब होगा तो कोई भी महिला डर के मारे घर से निकलेगी ही नहीं जी। सबसे बड़ी बात तो ये है। और फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी महिलाओं को सुरक्षा देना, अपनी महिलाओं को आगे लाना, एक माहौल पैदा करना। ये एक कॉन्शियसनेस तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी खाली ये थोड़ी है कि हुकूमत करें जी। कोई भी पार्टी, मैं विदाउट नेमिंग एनी पार्टी कह रही हूँ कि कोई ना कोई पार्टी तो सत्ता में रही है जो आज हैं, कोएलिशन में रहे हैं, इंडिपेंडेंटली रहे हैं। उन्होंने क्या किया महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को एक कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए जी। तो कॉन्फिडेंस जब तक आप महिला को नहीं दिलाओगे तो वो कैसे ऊपर आएगी, डर के मारे घर में बैठी रहेगी जी। तो अगर हम स्थिति देखें तो काफ़ी इनक्रेजिंग नहीं है महिलाओं की राजनीति में लेके। वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं, महिलाएं आधी आबादी है। लोग कहते हैं कि हमको अपनी कास्ट के नाम पे या हमारे रिप्रेजेंटेशन या आबादी के नाम पे रिजर्वेशन चाहिए। विधानसभाओं में और सांसद में रिजर्व सीट्स हैं, लेकिन वहाँ भी आप देखिए तो कितनी महिलाएं उन रिजर्व सीट्स पे आती हैं। अगर नहीं आ रही तो क्या वो सीटें, रिजर्व सीटें सिर्फ पुरुषों के लिए, ये भी सवाल खड़े होते हैं। मैं ये सोच रही हूँ, व्हेन आई वाज स्माइलिंग द रीज़न वाज कि मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। अभी तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, पॉलिटिक्स में बोलती हूँ वो महिला के लिए तो मैं हमेशा बोलूँगी चाहे कहीं भी हूँ जी। तो मुझे ख्याल आया कि कोई महिला ऐसी लीडर होना चाहिए जो एक नेशनली एक मूवमेंट चलाए कि हम इलेक्शन बायकॉट कर देंगे, हम वोट ही नहीं करेंगे जी। ना हम पार्टिसिपेट करेंगे जी। तो शायद झटका लगे जी। और पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं को सीरियसली लेने लगे। कहीं ना कहीं तो हाथ दबाना पड़ेगा जी। बच्चा भी जब तक रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती है जी। तो अगर ये उम्मीद पर है कि हमको प्यार में, मोहब्बत में, ख्याल में, हमदर्दी में वोट हमको सीट दे देंगे, ऐसा होता नहीं है। जब मांगना पड़ता है तो जब मांगना है तो ज़रा दबा के मांगे जी। कोई हाथ दबाए कि नहीं हम काम ही नहीं करेंगे, हम बायकॉट कर देंगे। अगर सारी पॉलिटिकल पार्टी की महिला वर्कर्स एक बार निर्णय ले लें जी, पर वो यूनिटी लाना ज़रा मुश्किल है क्योंकि हम इतने डिवाइडेड हैं जी। आइधर हम पॉलिटिकल चीज़ों पे डिवाइडेड हैं या कास्ट में डिवाइडेड हैं या रिलीजन में डिवाइडेड हैं, तो हमारी एक आवाज़ हो नहीं सकती। मैंने हमेशा ये कोशिश करी थी जब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में थी कि महिला को, महिला के लेवल पे आई वोंट डिवाइड जी। महिला महिला है जी। चाहे वो, जब प्रधानमंत्री ने मुझे माइनॉरिटी का मिनिस्टर बनाया तो मैंने उनसे ये कहा कि सर मैंने तो कभी माइनॉरिटी मेजॉरिटी के नज़रिए से सोचा ही नहीं अपने आप को जी। मैंने तो ये सोचा कि एक मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, दैट्स इट। हाँ, महिला के उसमें मैंने सोचा था कि हाँ मैं महिला हूँ और सारी ज़िंदगी मैंने महिलाओं की राइट्स के लिए लड़ी थी। आई नेशनली भी लड़ी, इंटरनेशनली भी लड़ी, यूनिलैटरली लड़ी, बायलैटरली लड़ी, इंटरनेशनली लड़ी, मल्टीलैटरली लड़ी, महिलाओं के लिए ग्रुप बनाए, अफ्रीका की महिलाओं को सत्ता में भागीदारी दिलाई, अरब की महिलाओं को सत्ता में भागीदारी दिलाई, वोटिंग राइट दिलाए, सब कुछ किया हमने। वहाँ हमारे ही देश में हम इतने कामयाब नहीं हो पाए जितने के होना चाहिए था हमको। काफ़ी कुछ जागृति आई, काफ़ी कुछ सोच बदली। पार्लियामेंट में जब महिला के बारे में इश्यूज आते थे तो ज़्यादातर महिला को ही खड़ा किया जाता था बोलने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज करती थी। अब वो चेंज आ गया, पुरुष भी बोलते हैं महिला के इश्यूज़ के ऊपर, क्योंकि कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है कि जिसकी ज़िंदगी में कोई महिला नहीं हो। कोई नोगा हो तो माँ तो होगी, उसकी बेटी होगी, बीवी होगी, माँ है, तो कोई ना कोई तो महिला रहती है हर पुरुष की ज़िंदगी में। और उसके राइट्स के बारे में पुरुष को भी उठाना चाहिए इश्यूज़। तो पार्लियामेंट में तो अभी एक तरीके से थोड़ी जागृति आ गई है पॉलिटिक्स, मगर अभी जगह देने की प्रॉब्लम है। जब मैंने कॉन्फ्रेंस, IPU की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी
दिल्ली में 1997 में जी। तो मैंने दो पुरुषों को, दो महिलाओं को बुलाया था हर पार्लियामेंट से कि दो पुरुष आए दो महिलाएं आए। तो उन्होंने कहा कि पुरुषों को क्यों बुला रहे हो, मुझे उठाया ये सवाल किसी ने। तो मैंने कहा इसलिए बुला रहे हैं कि उनसे ये कहना है कि ज़रा मूव करो, अब हम आ गए हैं जी। तो हमें जगह चाहिए, तो तुम हटोगे तो ही तो मिलेगी जगह जी। आपस में हम बैठ के इतना जिक्र कर लें, बीजिंग में 50,000 महिलाओं ने बैठ के जिक्र कर लिया कि हमें सत्ता चाहिए, हमें सत्ता चाहिए, ठीक है चाहिए, मगर जिससे सत्ता लेनी है उससे तो बोलो कि भाई थोड़ी जगह दो, हमें भी चाहिए, वी वॉन्ट टू ब्रीथ, वी नीड स्पेस जी। तो कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइज नहीं है या तो महिलाएं, क्योंकि सब कहते हैं कि हम, हमारी ये कास्ट है, हमारा ये रिलीजन है, तो हमारा इतना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन महिलाएं जो कि 50% हैं, आधे वोट हैं, आप उन्हें जगह नहीं दे रहे हैं। कोशिश मुझे लगता है शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी ने विमेन पार्टी बनाई थी पर जी, आंध्र प्रदेश में बनाई है एक महिला ने। तो हाँ, क्या अब समय आ गया है कि महिलाओं को अपनी राजनीति करनी चाहिए, जैसे हर कास्ट, हर रिलीजन, हर तबका जो है वो अब अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है हमारे देश में? अगर महिलाएं एक आवाज हो जाए सिर्फ जी सत्ता में भागीदारी के लिए, तो मुझे लगता है वो काफी है जी। कोई पॉलिटिकल अलहदा से महिलाओं की पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोई आवश्यकता तो नहीं लगती मुझे जी। विमेन रिजर्वेशन बिल की हमने बात की, कुछ पार्टियां कहती हैं कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होना चाहिए, अब इस पर आपकी क्या राय है ये मैं जानना चाहूँगी। और दूसरा कि जो रिजर्व सीटें हैं विधानसभाओं में और संसद में, उन पर क्या स्थिति है, क्योंकि वहाँ अगर पुरुष ही पुरुष आ रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या महिलाओं के लिए वो रिजर्व सीटें महिलाओं के लिए नहीं है? हैं जो ऑलरेडी रिजर्व सीटें हैं अलग अलग कास्ट की बेस पे, उस पर तो सबको मिलना चाहिए मौका, और जो महिलाओं के लिए रिजर्व है महिलाओं को मिलना चाहिए, वो तो मिलती है जी। रिजर्वेशन में रिजर्वेशन मेरे दिमाग में नहीं आता। विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हुई तो कुछ पार्टियों ने कहा कि नहीं, विमेन रिजर्वेशन के बीच में भी हमें रिजर्वेशन चाहिए कास्ट के लिए या अलग अलग, ये एक बहाना है उसको डिफीट करने का जी। आप रिजर्वेशन करा लो, आप अपने दिल में रखो रिजर्वेशन, आप उसमें अपने लोगों को जिसको चाहो आप दे दो, कौन ने मना करा आपको चाहिए तो आप अपर कास्ट को दो, लोअर कास्ट को दो, किसी रिलीजन को दो, किसी कास्ट को दो, ये तो आपकी मर्जी है, पर महिला तो हो जी। जेंडर रिजर्वेशन करो, तुमको कास्ट क्रीड रिलीजन रिजर्वेशन करना तो तुम कर लेना अपने लेवल पे जी, पार्टी के लेवल पे। हाँ, अपने यहाँ जिसको तुम्हें देना है जी। तुम्हें लगता है कि यहाँ से कोई बैकवर्ड क्लास की जीतेगी तो बैकवर्ड को दे दो, तुम्हें लगता है अपर कास्ट की जीतेगी तो अपर कास्ट को दे दो, तुम्हें लगता है कोई अलग धर्म की जीतेगी तो उसे दे दो, तुम्हें जिसको जी चाहे दे दो, कौन ने मना किया है जी। आपने, आप पहली महिला वाइस, पहली महिला चांसलर रही हैं आप जामिया मिलिया इस्लामिया की, और आप चीफ रेक्टर हैं मणिपुर यूनिवर्सिटी की। तो जब हम वाइस चांसलर पद की बात करते हैं तो एजुकेशन सेक्टर ऐसा है जिसमें कहा जाता है कि ये फोटे हैं महिलाओं का, लेकिन अगर ऑल वुमेन यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दिया जाए तो 1% महिलाएं ही हैं जो वाइस चांसलर के पद पर हैं पूरे देश में, 800 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति यहाँ भी बहुत निराश करती है, कैसे महिलाएँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वाइस चांसलर के पद तक पहुँचें? देखिए, वाइस चांसलर का पोस्ट तो रिजर्वेशन में है, आई डोंट एग्री। ये ऐसी पोस्ट है जो अपनी काबिलियत पे पहुंचता है इंसान, तो काबिलियत से उनका उनको पहुंचना चाहिए। मैं खाली जामिया की चांसलर नहीं हूँ, यहाँ जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी भी चांसलर हूँ, जो यहाँ कल्चर यूनिवर्सिटी है, दूसरी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, उनकी भी मैं चांसलर हूँ, तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसकी भी चांसलर हूँ, मगर जामिया की पहली ही वुमेन चांसलर हूँ। उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए जो भी गवर्नर होते हैं वो अपनी स्टेट की यूनिवर्सिटियों के चांसलर होते हैं, मगर जो मैं जो जामिया की चांसलर बनी वो इसलिए नहीं बनी कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उस पर बोर्ड में जो उनकी जो है उसने इलेक्ट करके सेलेक्ट करके बनाया उसके अंदर, तो इसलिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि जामिया के, मैं एक बात यहाँ याद दिलाऊँ, भोपाल की मैं
चार पुश्तों तक औरतों का राज था। और वहाँ मैं भोपाल से आती हूँ तो मैं तो औरतों का राज को देख के आई हूँ, उस माहौल से कि औरत सत्ता में बैठ सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो मुसलमान है या हिंदू है या क्रिश्चन है, वो अगर काबिल है तो पहनती। वहाँ तो खैर राजा थी तो इसलिए वो थी। तो जो लास्ट उनकी वेमेन रूलर थी सुल्तान जहाँ, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की चांसलर थी जी। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। तो अलीगढ़ की भी एक महिला चांसलर रह चुकी है और जामिया की तो मैं बनी हूँ। चलते चलते आपसे आखिरी सवाल कि किस तरह से ऐसा माहौल बने कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं राजनीति में आएँ, क्योंकि राजनीति ही उनकी दशा और दिशा को तय करती है महिलाओं की। अगर महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त बनना है तो पॉलिटिक्स में उनका आना ज़रूरी है। मैं एक बात कहूँ जी, पहले कितनी महिलाएं थीं जर्नलिज्म में जी, वहाँ भी बहुत महिलाएं नहीं थीं, आज कितनी महिलाएं हैं जर्नलिज्म में। तो जैसे वो आई हैं ऐसे सत्ता में भी आ जाएंगी। मुझे लगता है कि बहुत सी जर्नलिस्ट महिलाओं को चाहिए क्योंकि वो वोकल होती हैं, वो बात कर सकती हैं, लिख सकती हैं, पढ़ सकती हैं। तो क्यों नहीं बहुत सी जर्नलिस्ट महिलाएं पॉलिटिक्स में आती। आप लोग सब कोशिश करो, हम मदद करेंगे, आप आओ आप लोग आ सकते हैं जी। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई ख़ानदानी सिलसिला रहे कि किसी की बीवी है किसी की बेटी है तो वही आए पॉलिटिक्स में। कोई भी आ सकता है, कोई भी काबिल महिला है तो आ सकती है। मैं तो आई, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब से मेरा रिश्ता है, अब मैं फ़ख्र करती हूँ कि ऐसे ख़ानदान से मैं हूँ। इनहेरिटेंस पे नहीं आई, अपनी मेहनत से अपनी जगह बना के आई। इंसान को अपना रास्ता ढूंढने के लिए किसी सर्च लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चिराग की ज़रूरत पड़ती है जो एक एक कदम इंसान को रास्ता दिखाता है। तो हमने ये कोशिश यही की कि अपना चिराग खुद जलाएं और उसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारें। बहुत बहुत शुक्रिया नजमा हिब्तुल्ला जी, मणिपुर की गवर्नर, हमसे चर्चा करने के लिए राजनीति में महिलाओं की स्थिति पर। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द माहौल सुधरे जहाँ तक राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात है, जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट और ग्लोबल लेवल पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन में भारत की तस्वीर और खूबसूरत दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।